हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओईएसएफ फैमिली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम मोहम्मद सदीक अवान। और मैं हूं मिसेस वकास। तो भाई लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो, तो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसके अलावा हमारी इंस्टाग्राम आईडी और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके अपने सजेशन दे सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो है द फनीएस्ट एनिमल पैरोडी हैज रणबीर कपूर इन स्प्लिट्स। सो कृष्णा की कॉमेडी है, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो और देखते हैं कि कृष्णा रणबीर कपूर की कॉमेडी किस तरह से करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इन्हें थोड़े से पैसे दे दीजिए। क्या दीदी, आप भी, आपको इतना वक्त हो गया और अभी तक समझ नहीं पाई? वो पैसे नहीं, खाना मांग रहे हैं। आप दोनों ही इनको नहीं समझती, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की। मेरे अवतार जी का मतलब सिंपल है, आप तीनों ना सोफे से उठ जाए। तुम तीनों को मैं घर जाकर बताऊंगा। अरे इन तीनों को घर जाके क्यों बताओगे? इतना बता दीजिए ना। आप हम पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इतना ये तो जाके अपने ट्रांसलेटर को बुला लीजिए। कैसा है छोटे, सब ठीक ठाक है? जीते रहो और सर पे ग्लास रख के पीते रहो। अच्छा ये एनिमल मूवी आई थी इसकी, रणबीर कपूर की, इसका कजन था वो गूंगा। मुझे पता उसकी एक्टिंग है, उसकी तीन बीवियां थी ना। आप ही मुझे बताइए रिद्धिमा जी, एक बड़े भाई के होते हुए एक छोटे भाई को समझने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं। आप ही बढ़िया हैं, आप समझेंगी जी। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ छोटे, मैं आ गया हूँ। क्या बोल रहे? आप बड़े भाई हैं तो उनको केयर पड़ना चाहिए। आप बड़े भाई हैं ऐसा कह रहा है, लेकिन मैं तुम लोगों के पैर क्यों पड़ूंगा? अरे हम आपकी पैर पड़ेंगे, ये कह रहे हैं। नहीं, लेकिन तुम लोगों की जगह यहाँ नहीं है। तुम लोगों की जगह तो यहाँ मतलब पीछे 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 वहाँ उस तरफ है। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग जाइए। ओके भाभी जी वन, भाभी जी टू, भाभी जी थ्री। नमस्ते नमस्ते छोटे, अब मैं आ गया हूँ। तू जो कहना चाहता है कह, मैं करूंगा ट्रांसलेट। नी टू जी। मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। गर्दन में दर्द हो जाएगा यार। रणबीर जी, रणबीर जी, रणबीर जी, मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। क्या चीज है यार, जबरदस्त। ये एक और बार हो सकता है छोटे? एनिमल मेरी फेवरेट है। इसकी फिल्म का नाम एनिमल था ना। लेकिन एनिमल में मैं अब मर चुका हूँ, तो एनिमल पार्क में मैं तो काम कर नहीं पाऊंगा, इसलिए आप मेरे बड़े भैया को ले लीजिए एनिमल पार्क के लिए।
बड़े भैया कमाल के एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे बड़े भैया इज द बेस्ट। अरे क्या कर रहे हो आप? वो बोलने लग गया। यार छोटा छोटे तू बोल सकता है? हाँ भैया मैं बोल सकता हूँ भैया। अब आपकी कोई जरूरत नहीं भैया, आप जा सकते हैं। छोटे अली, तू जरा सा बोलने क्या लगा? तेरी तो जबान निकल आई है। यहाँ पर अब तुझे अपने बड़े भाई की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब नहीं था, मुझे ना उनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। तो करना, कब से परेशान है हम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आ, बातें कर। वो भी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं वो, पहले ना ये वो लेकिन जितना खिला रहे पहले हो जाएंगे वो। एनिमल में मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो तीसरी शादी करके एंजॉय कर रहा था। तुझे आप ही बताइए, जिस आदमी की तीन तीन बीवियां हो उसे कहीं बाहर झगड़ा करने का टाइम मिलेगा? मैं तो रिद्धिमान रनवे पर सॉरी कहने के लिए आया था, वो तो वांगा रेड्डी ने कहा तुम कुछ बोल नहीं सकते। छोटे माफी मांग रहा है तू? अट्टा कट्टा सुडोल नौजवान होके माफिया मांग रहा है तू? छोटे अगर मैं एनिमल में होता मैं हैंडपंप उखाड़ देता। वहाँ लंदन में हैंडपंप नहीं होते भैया। हैंडपंप नहीं होते तो वहाँ लोग पानी कैसे पीते? हमारा जो क्लाइमेक्स था वो रनवे पर था, बड़े बड़े प्लेन थे वहाँ पे। अरे तो प्लेन को पिघला के मैं उसका आकार बदल देता, लेकिन मैं कुछ करता। इतना आसान नहीं है, आप कुछ करते। चलिए एक ही मौका है आपके पास, वो जो सीन है ना वो फिर से दोहराते हैं। आप, मैं, रणविजय भी यहां पर है, एक ही मौका है भैया आपके पास में। मैं चाहता हूं रणविजय यहां पर आए और अगर आप एनिमल में होते तो उसका क्लाइमेक्स क्या होता है, आइए देखते हैं। वांगा रेडी? एक्शन! साथ अगर साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। डायलॉग नहीं, डायलॉग नहीं बोल सकते। ओके, ओए भी नहीं कर सकते आप, ओए भी नहीं चलेगा। ओए ओए बार।
अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तो भाई वीडियो हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। और यार ये रणवीर कपूर की जो मूवी थी एनिमल, ये मैंने देख रखी है, लेकिन ये असल में तो फैमिली मूवी है नहीं है बड़ी, बहुत ज़्यादा इसमें एक्शन और वैक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि दुश्मनी पंजाब के कल्चर को और वो सिख, एक तरफ मेरे ख्याल से वो उनके कज़न जो हैं वो सिख थे जो रणविजय वाली फैमिली थी, और जो दूसरी तरफ वो बॉबी देओल वाली जो फैमिली थी वो मुस्लिम फैमिली दिखाई गई जो बाद में कन्वर्ट हो गए मेरे ख्याल से, पहले वो उनके फादर जो है वो सिख थे फिर बाद में कन्वर्ट हो गए, क्या कुछ ऐसे उसमें सीन था। लेकिन बहरहाल बात करते हैं कृष्णा की कॉमेडी की, तो ये जो सीन जो बीच में इन्होंने किया ना, अचानक चुप रह के और चीख पड़े, नहीं वो जबरदस्त सीन कर दिया कि मैं बोल सकता हूँ, पहले नहीं बोल रहे थे, उसके बाद देखा कि गलत बोल रहे तो एकदम नहीं ऐसा नहीं है, वो चीज बड़ी मतलब कि फिल्म तो खैर अब्बू ने तो खैर देखी भी नहीं होगी। नहीं अब्बू ने नहीं देखी हुई है, मैंने देखी हुई है ये मूवी, बहरहाल एक्शन मूवी है, फुल धमाकेदार मूवी है यार। ये रणवीर कपूर की जितनी भी मूवीज आई हैं अभी तक में मेरे हाल से सबसे ज्यादा एक्शन जो है वो इसी में दिखाया गया, और इसका एक सॉन्ग जो है वो बड़ा हिट हुआ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा शॉर्ट्स भी बनी, रील्स भी बनी, खोने दूंगा क्या, हाँ कुछ ऐसा करके ही था, जब तुझे रोने नहीं, हाँ जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे रोने नहीं दूंगा, कुछ ऐसे करके वो सॉन्ग था, अपने फादर के लिए जो है वो सेंटीमेंट्स उसमें दिखाए गए हैं। बहरहाल अब्बू आप क्या कहते हो इसको देख के? बहरहाल ये अच्छी मूवी थी, अब फिल्म तो मैंने देखी ही नहीं। बहरहाल वो जो पहलवान है उनकी आवाज़ सनी देओल से बहुत मिलती है, या मिलाएल है, हाँ या मिलाते हैं खुद से, मिलाते हैं लेकिन किसी की आवाज़ को निकालना, आवाज़ के अंदर जोर है वो, अगर आंखें बंद करके देखो तो लगेगा कि वो बोल रहा है, बिल्कुल अंदाज उस जितना वो आवाज़ को खींचता है उतना ही खींचना, तो ये एक बड़ा फन होता है। बाकी कॉमेडी है इसमें अच्छी है, कॉमेडी चलती रहनी चाहिए, बाकी एक फिल्म देखी होती तो थोड़ा ज़्यादा जहन में आता है जी क्या है। बहरहाल उनको दाद देता हूँ कि वो बस आंखें बंद करो तो लगता है कि सनी देओल स्टेज पर है, बिल्कुल। चले भाई वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, खुदा हाफिज़।